गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का ट्रांसलेशन जो है वो हम चौथे भाग का कर रहे थे। इसमें चौथे भाग में हमने अभी तक जो पढ़ा वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि विपिन बाबू जो है वो रांची गए थे। जब उसको डॉक्टर ने बताया उनको कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि आपको जो है उन दृश्यों को देखने के बाद जो है वो कुछ याद आए, तो विपिन बाबू वहाँ गए थे और वहाँ घूमे। सब जगह घूमने के बाद उनको नहीं लगा कि वे जो है वो कभी यहाँ आए थे, और तभी उन्हें लगा कि हुडरू प्रपात जो है वो हो सकता है कि उसकी उनकी मदद करे। उनको देखने के बाद हो सकता है कि उनको उनकी यात्रा के बारे में याद आए, हालांकि इसकी आशा उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई भी बात जरूर नहीं छोड़ना चाहते थे कि वे वापस जाए। उनको मन में ऐसा लगेगी उन्होंने जो है वो प्रयास पूरा नहीं किया, अपनी याददाश्त उठाने के लिए पूरा प्रयास नहीं किया, इसलिए उन्होंने टैक्सी ली और वुडरू जूतल प्रपात था वहाँ पहुँचे। उसी शाम को दोपहर बाद 5 बजे वहाँ जो सैलानी थे उनके सैलानियों की एक दल में से 2 गुजराती सज्जनों ने विपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़े पाया था, और जब उन्हें होश आया तो पहली बात जो विपिन बाबू ने कही वह थी, मैं खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची, ऐसा उन्होंने कहा था। और यहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है पढ़ा था, अब इससे आगे क्या होता है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह विपिन बाबू वास बैक इन कलकत्ता, वापिस कलकत्ता आ गए विपिन बाबू। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और अब उन्होंने महसूस किया कि अब वास्तव में उनके बचने की कोई आशा नहीं है। सुन ही वुड लूज एवरीथिंग, शीघ्र ही वे सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की शक्ति, his confidence, उनका आत्मविश्वास, his ability, उनकी योग्यता, his balance of mind, और उनकी दिमागी संतुलन। Was he going to end up in the asylum? Asylum कब जो होता है पागलखाना, जहाँ मानसिक विमंदित जो होते हैं उनको कहा जाता है, तो क्या वे पागलखाने में खत्म होने जा रहे हैं? विपिन बाबू ज्यादा नहीं सोच सके, बैक होम वापिस घर आए। घर आकर के ही रैंग अप, उन्होंने फोन किया डॉक्टर चंदा को एंड आस्क्ड हिम, और उनको पूछा टू कम ओवर, आने के उनको आने के लिए कहा कि वो आए। देन उसके बाद आफ्टर ए सोर्स और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही गोट इनटू बेड एंड आइस बैथ है, अपने सिर पर बर्फ की थैली रख करके वे बिस्तर में घुस गए। जस्ट देन तभी द सर्वेंट नौकर ब्रॉट हिम ए लेटर, एक पत्र लाया नौकर, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ए ग्रीनिश लेटर, लिफाफा जो है वो हरा था, विच इज नेम इन रेड इंक ऑन इट,
और उस पर हरे लिखा के ऊपर लाल अक्षरों में जो है उनका नाम लिखा हुआ था विपिन प्रभु का, अबोध लय और नाम के ऊपर फिर से लिखा हुआ था प्रेजेंट आवश्यक एंड कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन अपनी खराब दशा के बावजूद विपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही ऑट टू गो टू द लेटर। अपनी खराब स्थिति के बाद बावजूद भी विपिन बाबू ने सोचा, महसूस किया कि उनको वो लेटर जो है पूरा पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द बैनर, उन्होंने लिफाफे को फाड़ करके खोल दिया एंड टूक आउट द लेटर और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही, और उस पर लिखा था, अब क्या लिखा था वो अभी हम देखेंगे। पत्रों विपिन बाबू ने खोल करके पढ़ना शुरू किया था, तो पत्र में लिखा था, डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू। एफ्लुएंस का मतलब अमीर, एफ्लुएंस का मतलब अमीर। प्रिय विपिन, मेरा ऐसा विचार नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अमीरी आप में इतना परिवर्तन ले आएगी, अमीरी के कारण आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा। दैट इट वॉज डन, जैसा कि आया है, जैसा कि आप में परिवर्तन आया है, जैसा कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या आपके लिए पुराने मित्र को, क्या आपके लिए एक पुराने मित्र को उसके कठिन समय में, बुरे समय में मदद करना जो है कठिन लगता है आपके लिए? अपने पुराने मित्र की, आपके लिए पुराने मित्र की उसके कठिन समय में सहायता करना, मदद करना कठिन लगता है आपके लिए, वो मुश्किल है? आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, मेरे पास धन नहीं है इसलिए मेरे संसाधन भी जो है वो सीमित है। वॉट आई हैव इज एन इमेजिनेशन, मेरे पास जो एक है मेरी कल्पना शक्ति है, मैं जो है वो कल्पना कर सकता हूँ, क्या वो मेरी एक शक्ति है कल्पना शक्ति, और उसी का ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, आपके इस क्रूर व्यवहार के लिए मैंने मेरी उस कल्पना शक्ति का कुछ भाग जो है वो उपयोग किया, जिससे कि आपको जो है वो आभास हो कि मेरा व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं था। वेल ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब आप पुनः ठीक हो जाओगे। अ नोवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय योर पब्लिशर, मैंने एक उपन्यास लिखा और एक प्रकाशक जो है उसको पढ़ रहा है, उस पर विचार कर रहा है। इफ ही लाइक्स इट, अगर वो उनको पसंद आ गया, उस प्रकाशक को पसंद आ गया उपन्यास, सी मी टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो उससे उस उपन्यास से मुझे अगले महीने से सहायता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और इसके बाद उसके नीचे उसने नाम लिखा था, तो मेरा नाम नहीं लिखा, मैं भूल गया हूं, योर चुन्नीलाल करके नाम लिखा था उसने, लिखने वाला चुन्नीलाल था, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर योर फिर नाम लिखा था चुन्नीलाल, तो पत्र जो है वो चुन्नीलाल ने लिखा था, ये ऐसा लिखा है इस पत्र के नीचे, योर चुन्नीलाल, ठीक है, ये पत्र कहने का मतलब चुन्नीलाल का था। वेन डॉक्टर चंदा कैंप,
डॉक्टर को बुलाया था विपिन बाबू ने। तो जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू से विपिन बाबू ने कहा, आई भाई मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज़ सून एज़ आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। मैं जब रांची में स्टेशन पर उतरा ट्रेन से, तो वो सब वापस आ गए, वह सब मतलब वो सब याददाश्त जो है वो वापस आ गए, ऐसा विपिन बाबू ने कहा। एक अदिति, एक बेजोड़ मामला, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा। आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। ये इस प्रकार के केस के बारे में, इस मामले को मैं एक चिकित्सा पत्रिका जो है उसमें लिखूंगा, क्योंकि ये अदिति मामला है, ऐसा कोई मामला पहले मैंने नहीं देखा है। तो एक अदिति है, तो इस मामले के बारे में मैं एक चिकित्सा पत्र जो है, पत्रिका जो है, उसमें मैं इसको लिखूंगा, इसका उल्लेख करूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, कारण जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था, सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा, इज दैट, वो ये है, आई हैव पेन इन द हिप, मेरे कुल्हों में दर्द है, कुल्हे जो है उनमें दर्द है, फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। और दर्द किसका है, रांची में मैं गिर गया था। If you could prescribe a painkiller, अगर आप एक दर्द निवारक दवा जो है वो लिख सको, इसके लिए उन्होंने उस डॉक्टर को बुलाया था। तो ये आपके जो है वो चौथा भाग जो है वो समाप्त हुआ। इसके साथ ही आपका ये फोर्थ लेसन जो है, इसका ट्रांसलेशन समाप्त होता है। सत्यजीत रे ने लिखा है, सत्यजीत रे जाने माने इंग्लिश राइटर सत्यजीत रे, उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर आपका जो है चौथा भाग समाप्त होता है, और इसके साथ ही पाठ भी आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। आखिर उनको याद आ गया, वे मान रहे हैं, विपिन बाबू कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ जो है वो याद आ गया। तो अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहे तो जो है वो इसका ट्रांसलेशन खुद करने का प्रयास करें। अब जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और फिर जो है वो इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और इसके बाद में इसके चौथे भाग के दो क्वेश्चन दिए हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले, और उससे आगे इस पूरे पाठ के कुछ एक्सरसाइज हैं चारों भागों के। तो वो करने से पहले इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक है, चौथे भाग के कॉम्प्रिहेंशन चेक, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद जो है उनके उत्तर दें। प्रश्न है, हेड विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। क्या विपिन बाबू वास्तव में जो है वो अपनी स्मृति को जो है वो याददाश्त को खो चुके थे, और अपनी रांची यात्रा के बारे में भूल चुके थे? बताना है आपको जैसा आपको समझ में आया, उसके बाद मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस जरूर करें। आपको क्या लगता है, ये मन से ही उत्तर देना इसमें, कि वास्तव में विपिन बाबू जो है अपनी याददाश्त को खो चुके थे, और अपनी जो रांची की यात्रा थी उसके बारे में जो है वो भूल चुके थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड, व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड। आप क्या सोचते हैं कि चुनीलाल ने जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, या यूं हो सकता है इसका ट्रांसलेशन, आप क्या सोचते हैं कि चुनीलाल ने जो किया वो क्यों किया, ये हो सकता है। क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं कि चुनीलाल ने जो किया वह क्यों किया। चुनीलाल कहता है, फिर लिखा है आगे, चुनीलाल सेज ही हैज नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव। चुनीलाल कहता है कि मेरे पास धन नहीं है। वह क्या है जो उसके पास है, धन नहीं है तो उसके पास क्या है,
तो ये जो है वो आपके इसके कंपेरिजन चेक हो जाएंगे, इनके आंसर मैं कल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस जरूर करें और उसके बाद आगे फिर जो है हम इसमें एक्सरसाइज जो है दूसरी उनको भी करेंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है हम ये समाप्त करेंगे। थैंक यू।